हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सेप्टेक सेफ्टी प्रोफेशनल चैनल में। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था लाइफलाइन और सेफ्टी बेल्ट एंकरिंग का। होप आप लोगों ने वो वीडियो वॉच किया होगा। अगर आपको कुछ भी कंसर्न लगता है, अगर कुछ आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए रहता है या क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग कुछ बात करनी रहती है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कह सकते हैं। और जो हमारा इंस्टाग्राम पे जो चैनल है उस पर आप लोग भी फॉलो करो, और उसमें हम लोग आपको सजेशन देंगे कि कौन सा क्वालिफिकेशन बेस्ट है और क्या है। तो चलो दोस्तों, चलो अपने नेक्स्ट जो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं। 2 दिन से मैंने वैकेंसीज पोस्ट नहीं की थी, तो सारे 2 दिन के जितना भी वैकेंसीज निकला था हमारी इंडस्ट्री में सेफ्टी और फायर में, तो सबका वैकेंसीज मैंने यहाँ पर पोस्ट किया है दोस्तों। तो सेफ्टी ऑफिसर और फायरमैन जॉब के वैकेंसी लेटेस्ट 2 दिन की, कल की और आज की है। अगर आप लोगों ने अभी तक वॉच नहीं किया होगा तो प्लीज़ वॉच करो, और अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया होगा तो फिर से एक बार अप्लाई करो, रिमाइंडर कर दो जो जॉब नोटिफिकेशन आपने अप्लाई किया है वहाँ पर। सेकेंड थिंग, अभी तक आप लोगों ने नोटबुक और पेन नहीं लिया होगा तो नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ, बिकॉज सारे जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर और जितने भी मेल आईडीज है वो मेल आईडी पे आप लोगों को आपका सीवी ड्रॉप करना है। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि सीवी किस तरह से ड्रॉप किया जाता है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा एक लिंक है, वो लिंक पर आप क्लिक करके वॉच कर सकते किस तरह से क्लाइंट को या अपने रिक्रूटमेंट को, जॉब रिक्रूटमेंट को किस तरह से मेल सेंड करना है। तो वीडियो भी आप वॉच करके आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों, चलते हैं आज के जॉब नोटिफिकेशन में। दोस्तों, मार्च 2023 जॉब नोटिफिकेशन, वी हैव अ रिक्वायरमेंट सेफ्टी सुपरवाइजर 2 नंबर, सिविल कंपनी है, लोकेशन दहेज का है, सैलरी 18K तक मिलेगी आप लोगों को, फूड और अकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करे। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको आपका सीवी शेयर करना है। सीवी शेयर करने के बाद एक कॉल कर देना है, सर मैंने आपका मैंने अपडेटेड सीवी शेयर किया है करके। इंटरव्यू इमीडिएट होगा, ज्वाइनिंग भी इमीडिएटली रहेगी। तो दहेज गुजरात लोकेशन है, इस पर आप लोग शेयर कर सकते हैं, और इसमें बेनिफिट है आपको फूडिंग और अकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करेगी। सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है सेफ्टी ऑफिसर रिक्वायर्ड, 3 लोकेशन पुणे, सैलरी 40K और 16K, ये 7 ईयर्स या 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, मैकेनिकल फील्ड है कंस्ट्रक्शन की, ओके उसमें प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, कैंडिडेट सेंड द सीवी, टेस्ट मी, व्हाट्सअप करने लो इनको, चार्जेस वगैरह कुछ अप्लाई नहीं है दोस्तों। और ऑलरेडी मैंने कहा है कि जॉब का जो भी एप्लीकेशन और जो रहता है एप्लीकेशन वेरिफिकेशन वो आपकी साइड से रहता है, तो जो भी रहेगा तो आप लोग अपने रिस्क पे जॉब अप्लाई कर सकते हो। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप लोगों को सीवी सेंड करना है। दूसरा एक वैकेंसी दोस्तों, नीड इलेक्ट्रिकल सर्विस इंजीनियर पुणे लोकेशन, डिप्लोमा और ITI के लिए एक वैकेंसी निकली थी, तो मैंने सेफ्टी के अलावा दूसरी एक वैकेंसी पोस्ट कर दी है। तो आपके जो भी बंदे भाई लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या ITI डिप्लोमा रहेगा फ्रेशर कैंडिडेट, उसको 15K सैलरी मिलेगी, एवरेज पर्स हाइक, करंट रिक्वायर्ड प्योरली ऑफ कंपनी रोल, प्लीज़ कॉन्टैक्ट दिस नंबर। ये मोरी सर करके एक सर है हमारे, तो उनको आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनको पूछ सकते हैं रिक्वायरमेंट के बारे में। और मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में कहा है कि एप्लीकेशन एंड वेरिफिकेशन फ्रॉम योर साइड दोस्तों। दोस्तों हायरिंग, ये मथुराई इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है यहाँ पर अपनी EHS सेफ्टी मैनेजर करके, यहाँ पर देखो ADIS और 10+ का एक्सपीरियंस चाहिए, 2 कैंडिडेट यहाँ पर चाहिए, सेफ्टी स्टूअर्ड चाहिए, डिप्लोमा सेफ्टी का होना चाहिए। तो आपको कन्फ्यूजन होगा सेफ्टी स्टूअर्ड के लिए कौन सा डिप्लोमा और कौन सा क्वालिफिकेशन लगता है, तो आपको मैं वो कन्फ्यूजन भी क्लियर कर दूंगा। सेकंड थिंग, यहाँ पर फर्स्ट एडर का भी है, तो अगर आपके पास फर्स्ट एडर का डिप्लोमा वगैरह रहेगा तो आप लोग वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड इसमें आते हैं सेफ्टी ऑफिसर 6 रिक्वायर, ADI चाहिए, MSBT इंस्टीट्यूट से ओनली, नॉट PDIS। बहुत सारे कन्फ्यूजन है ADIS PDIS, तो उसका भी कन्फ्यूजन हम लोग एक वीडियो बना के क्लियर करेंगे दोस्तों। ये फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, रेपुटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है यहाँ पर महाराष्ट्र गुजरात लोकेशन के लिए। तो ये जो मेल आईडी है, ये जो मेल आईडी यहाँ पर दिया है दोस्तों, तो वो मेल आईडी पे आप लोगों को आपका अपडेटेड सीवी शेयर करना है। अगर आपको पता नहीं है सीवी किस तरह से शेयर किया जाता है, तो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप लोग सीवी शेयर कर सकते हैं दोस्तों। ADIS पे आप अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर कैन ओनली अप्लाई, यस फ्रेशर के लिए ही ये वैकेंसीज है, तो फ्रेशर जितने भी होंगे अभी जो लेटेस्ट ADIS पास होंगे हुएंगे तो वो लड़के लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर रेफरेंस आप सुरवंशी सर का दे सकते हैं, ही इज़ अ बेस्ट टीचर फॉर औरंगाबाद स्कूल। तो अगर आपको ADIS वगैरह इनके बारे में कुछ भी दिक्कत रहेगी, कुछ भी परेशानी रहेगी, तो आप ये सर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ही इज़ अ वेरी हेल्पफुल पर्सन।
सो इनको भी कॉन्टैक्ट में, इनके भी टच में आप रह सकते हैं, भी डेली जॉब नोटिफिकेशन डालते रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतनी जॉब नोटिफिकेशन मेरे पास थी, तो इतने लेटेस्ट में आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा था दोस्तों। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, लाइक नहीं किया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और डेली जॉब नोटिफिकेशन के अपडेट के बारे में आप लोगों तक मैं पहुँचाता रहूँगा, ये मेरी कोशिश रहेंगी दोस्तों। थैंक यू।